How are you guys? I hope you all are fine and welcome back to another gameplay video. तो guys आप सभी लोगों का दोबारा से वेलकम हो गया स्पोर्ट किंगडम के लिए। और guys आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वीट फार्म, एक ऑटोमेटिक वीट फार्म। ये वीट फार्म फुली ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये इसकी हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक होगी, यानी कि हमें सीड्स तो खुद ही प्लांट करने होंगे मगर जो ये हार्वेस्टिंग होगी वो ऑटोमेटिक होगी, वो पानी के जरिए होगी। तो क्योंकि हमें फूड की भी कमी पड़ रही है, देखो खाली मेरे पास ये 16 स्टिक पड़ा है बस। और साथ साथ में हम लोग एक नॉर्मल से फेंस में ना पहले उसको डाल देंगे, ये काउ, शीप और पिग और चिकन को, इन चारों को पहले एक फेंस के लिए डाल देंगे ताकि ब्रेड इतना पावरफुल फूड नहीं होता ना। अगर आप नेदरराइट डालमा के साथ डायमंड डालमा के साथ लावा में जाओ तो अगर आप स्टिक खाओ ना और पॉक चॉप खाओ तो आप सर्वाइव कर सकते हो लावा में, अगर बार बार खाते जाओ। लेकिन आप ब्रेड खा के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा पावर मतलब थोड़ा अच्छा फूड भी चाहिए और नॉर्मल फूड भी चाहिए, लेकिन वीट फार्म तो आगे जाके अलग चीज़ों में भी काम आएगा। तो इसलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वीट फार्म। पहले गाइस सो लेते हैं, जब भी मैं पता नहीं वर्ल्ड में आता हूँ तब रात हो रही थी, जो भी गाइस सो लेते हैं। और गाइस मैंने यहाँ से अपना कोल निकाल के मैंने डाल दिया था वहाँ अपने ये कॉपर स्टोन फार्म के वो अपने फर्नेस में ताकि स्टोन मिल जाए। आप लोग बोल रहे हो कॉपर स्टोन फार्म कब बनाया, गाइस मैंने कॉपर स्टोन बनाया था, कॉपर स्टोन फार्म मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर जाकर चेकआउट करना। ये कॉपर स्टोन फार्म भी एफिशिएंट है और इजी सर्च में वो भी नहीं चाहिए क्या अपना क्या होता है वो, गाइस मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, ड्राइड केल्प नहीं वो, ड्राइड वो कोरल फैन वो। फिलहाल तो उसको बंद किया हुआ है क्योंकि इसमें इतना सारा कॉपर स्टोन आया हुआ है, देखो कितना सारा नीचे अलग स्टोन आया हुआ होगा। मैंने इसमें ला के कोल डाल दिया था, वो कोल भी ख़त्म हो गया, सारा स्टोन स्मेल्ट हो गया। आज हमें स्टोन काम आने वाला है क्योंकि मैं इस स्टोन से मैं वो करूँगा, इसको स्टोन ब्रिक्स बनाऊँगा और इससे मैं अपना वीट फार्म बनाऊँगा, साइड की बॉर्डरिंग करूँगा, तो इसलिए स्टोन काम आएगा। और ये गाइस ये आयरन फार्म भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, दिखा देता हूँ अब तक कितना हो चुका है, इसमें इतना सारा हो चुका है और कुछ तो मेरी चेस्ट में भी पड़ा है, ज़्यादा नहीं है, एक दो स्टैक मेरी चेस्ट में भी पड़ा है। तो चलते हैं जल्दी से, एक पहले वो बना लेते हैं ये छोटा सा बाण, इसका गाय बकरों को ये काउ शीप पिग और ये अपना मुर्गी चिकन, इसको पहले एक इन सबको पहले एक फेंस के अंदर डाल देते हैं ताकि जल्दी ये अपना फूड का इंतज़ाम हो जाएगा, अच्छे फूड का इंतज़ाम तो खैर वीट फार्म से भी होना है। तो पहले एक काम करते हैं, डाल देते हैं वुड, पड़ी है मेरे पास नहीं वुड, नहीं सारी वुड ना मैंने असल में उस फार्म में डाल दी थी इसलिए वह मेरे पास वुड नहीं बची है। ये रहा मैंने तो यहीं बड़ी सारे पेड़ उगा दी भाई, मैंने कहा वहाँ जंगल तक जाना पड़ता है, उस जंगल तक कौन जाएगा भाई, मैंने कहा यहीं पर मैं अपना पेड़ उगा लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेड़ उगा लिया। तोड़ते हैं पेड़ को, हार्वेस्ट करते हैं, कुछ लकड़ियाँ उगी हैं, कुछ सैपलिंग्स होगी हैं, लकड़ियाँ क्यों उगेंगी भाई, तो मुझे समझ नहीं आता, मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देता हूँ भाई, लकड़ियाँ क्यों उगेंगी भला, लकड़ियाँ कब से उगने लगी, सैपलिंग्स उगती हैं भाई। ये टूट गया, ये इसको बल्ले जाने दो भाई, पहाड़ में गया, ये क्यों भाई मेरे काटते ही हुआ है वो, अरे भाई तू वापस लग जा, आई थिंक सो इतना काफी होगा, एक स्टैग ले जाते ना, लग जाते एक स्टैग नहीं तो 50 तो ले जाते भाई, या फिर एक स्टैग ही कर लो भाई, जब आ रही लकड़ियां तो ले जाओ भाई, लो हो भी गए एक स्टैग आते।
लिए वहाँ पे एक लकड़ी गिरी थी, हो गया किस टाइम। और चलते हैं जल्दी से घर के अंदर, इसके प्लैंक्स बना लेते हैं पहले। अब इससे बनानी है बहुत सारी स्टिक्स, स्टिक्स को रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इससे फेंस बनते हैं यहाँ, कितने फेंस चाहिए पहले आठ का बनाते हैं, एक से तीन बनते हैं और बना लेते हैं थोड़े से और। और क्या आई थिंक से जरूरत पड़ेगी बना ही लेते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी तो और वापसी बना लेंगे। गाइस मेरी चेस्ट में फुल हो चुकी है, योग फैंस दो, स्पॉन्सर डाल दो। एक स्टैक पर बस अब तक बस रखते हैं लॉग। भाई मैंने कितनी फसूल चीज़ों से भी भरी हुई, ये क्या दोनों फेंक दो, ये मैंने मैंने क्या रखा था। फिर से गाइस विलेजर्स आ गए देखो, बिल्कुल मेरे घर के बाहर खड़े। भाई मैं तो प्रिपेयर हूँ भाई लड़ने के लिए, तो बिल्कुल घर के बाहर आके शोर मचाते हो, हाँ शोर मचाते हो घर के बाहर, घर के बाहर, घर के बाहर आके शोर मचाते हो। तमीज वमीज नहीं है क्या, घर के बाहर आके सीधा शोर मचा रहे मेरे, वो भी मेरे घर के बाहर। भाई ये मेरा वर्ल्ड नहीं, निकलो यहाँ से भाई। खैर अगर ये निकल गए तो मेरे पास टोटम कैसे आएंगे बताता हूँ मैं इसको। दो मिनट देना भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आना जरा, इधर आना, अपनी बिरादरी के पास आना, उसी के पास ही तेरे को रखूंगा, तू देख आजा, आना बेटे, आजा आजा, आना बेटे, और आ, और आ, आना। ओ हेलो हेलो हेलो, आई एम हियर, कहाँ जा रहा है भाई? तेरे को लगता है तेरे भाई के साथ नहीं बैठना, अंदर आना। बे भाई आ भी चुक, बे भाई उसको उसको नहीं मारने का, उसको नहीं मार देना भाई, बेवकूफ कहीं का। चल अत्ते साहब, अत्ते भाई के साथ ही बैठा रही हो और अंदर ही रही हो। अब जब तक मेरे पास अच्छा आर्मर नहीं आता तब तक तुम लोग अंदर ही रहोगे, फिर मैं इनको मार के अपना ये वॉलंटरी एग्जाइल ही बोलते हैं ना उसको, बैड उमर, बैड उमर बोलते हैं सॉरी, वॉलंटरी एग्जाइल तो उस वक्त आती है इन वो एडवांसमेंट आती है जब आप इसका बोल लेते हो बैनर। और बस एक काम करते हैं जल्दी से बनाते हैं ये अपना फैंस, किस तरफ बनाए, आई थिंक इस तरफ बेटर है, इस तरफ डहरिया है। एरिया तो है बट उस तरफ बनाते हैं, काम करते हैं घर के इतना पास में नहीं बनाना चाहिए, वरना घर के पीछे ऐसी ऐसी आवाज़ आती रहेंगी घर पे, घर के बाहर। और भाई हम इरिटेट होते रहेंगे भाई इनकी आवाज़ से, तो इसलिए बेटर ये है कि भाई घर के अंदर ही बना लो, घर घर के अंदर भाई मैं बोला घर के पास से बना, घर के अंदर बना, घर से थोड़ा दूर बनाओ। देखो जैसे ये बकरी घूम रही है, अब मैं घर के अंदर सो रहा हूँ, ये भाई जी बास देखो लिखा आया, यहाँ से डर्ट निकालते हैं फटाफट और उस एरिया को फ्लैट करते हैं भाई। चलो 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 इधर से चलते हैं, चलो हेलो। इस एरिया पे मैंने बोला था ना बनाने का, इसी एरिया पे बना देते हैं। या फिर इस एरिया पे, आई थिंक सो ये एरिया बेस्ट बेस्ट है, थोड़ा सा एरिया क्लियर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने किधर बोला था, वैसे मैंने इधर बोला था भाई, जिधर किधर भी बोला हो मैं इधर बना रहा हूँ। एरिया एरिया ज़्यादा था खाली, खाली करने की जरूरत ही पड़ेगी।
ऐसे हम लोग जल्दी डायमंड में भी कवर होंगे, टेंशन ना लो, जल्द अज जल्द मैं डायमंड में भी कवर हो जाऊंगा भाई। और हाँ मे भी हमें फ्लेचर भी चाहिएगा, फ्लेचर भी चाहिए हमें। अब आप लोग बोलोगे क्यों, वो मैं बताता हूँ। जिनने गैस कर लिया होगा भाई कर लिया उन्होंने, कुछ लोग मुझे पता है गैस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ठीक है डिस्पेंसर बनाना है। मुझे पता है ट्रैपडोर से भी काम चल जाता है, बट मैं ट्रैपडोर नहीं कर सजेस्ट करता, मैं नहीं कह, मैं ट्रैपडोर से नहीं करता भाई, अच्छा भी नहीं लगता, और लगता गरीबों वाला भाई, हम गरीब नहीं है। जब अमीरी है तो भाई सब चीज़ यूज़ करो भाई। तो फ्लेचर से ये होगा कि वो मिल जाएगी, क्योंकि इतनी तो सब वो है नहीं मेरे पास, वो क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रिंग या फिर स्केलेटन फार्म हो जिससे वो मिलती रहे मुझे। तो फ्लेचर से मुझे वो मिल जाएगी भाई। मैं ये फेंक रहा हूँ सीड्स, मुझे अभी इस फार्म में काम आने हैं सीड्स, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं सीड्स फेंक रहा हूँ, ज़ाया कर रहा हूँ। ये बनाए शवल थोड़ा उसको भाई, मेरे ख्याल से नहीं तो एरिया काफ़ी नहीं होगा, बट बनाना शुरू करते हैं, फिर अगर कमी पड़ी एरिया की तो फिर बना लेंगे, और मैं एरिया मतलब बड़ा कर लेंगे। ये काटते हैं बस, आई थिंक से एरिया काफ़ी होगा, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। मैं बेड तो भाई लेके आता हूँ, यहीं पे सो भी जाते हैं भाई, सो भी जा, रात नहीं हो गया, अब वापस हो जाएगा, नहीं इस बैठ को, चलो यहीं पर ही रहने देते हैं। क्या करना था, मैंने फेंस लगाने हैं क्या, मैं फेंस गेट नहीं बना के लाया, फेंस गेट की रेसिपी चेंज होती है थी, कितने चार यानी एट फेंस गेट चेंज है, आठ तो भाई ये तो अभी भी कुछ भी नहीं है, आठ फैंस गेट अब बोलेंगे नहीं भाई, अब तो आई थिंक सब बन जाएंगे, नहीं मेरे भाई बस अब ये लास्ट होगा इसको भाई, अब मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, मैं ही इसे बना रहा था साथ अभी भी। ओह माय गॉड, ना चार बनाने ना, हाँ तो आठ चाहिए, एक में मैं दो लगाऊंगा। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर ही रहने देते हैं, यहाँ से एक ब्लॉक, यहाँ पे दो 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 ब्लॉक छोड़ के चलते हैं, मैंने यहाँ पे एक लगेगा, एक दो एक सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सही आठ हो गया। मैं आठ बाय आठ का बनाऊंगा, काफी बड़ा होता है मुझे पता है, लेकिन बड़ा ही सही है थी उसको, पहले इसको हटा भाई, इस क्लास को साल पूरी क्लास के लिए कर दूंगा, मैंने एक क्लास चाहिए नहीं। हाँ बस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यानी ये हो गया, सही है ये हो गया। अब मैं गेट यहाँ से निकाल देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ पे आएंगे दो गेट, या अब सही है, अब मुझे यहाँ पे आएंगे दो गेट ऐसे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, गाइस मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये इस छोटे से बांध को, इस छोटे से एरिया को जिसके ना
काउ शीप और ये सब जाएंगे। इसको मैं बना के बस आप लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी फिलहाल मैंने सारे रिसोर्सेज जमा कर लिए हैं और मैंने ये अपना पीछे ये फार्म भी बना दिया छोटा सा ये वीट का। और मैंने कहा आप लोग को बोर नहीं करता हूँ, तो मैंने कहा ये जब ये फार्म बना रहा हूँ तो मैंने कहा साथ साथ में रिसोर्स को क्लियर करें, तो मैंने डिस्पेंसर भी क्लियर कर लिए। रेड स्टोन तो था ही मेरे पास, थोड़े बहुत मैंने स्टोन पिक्स बना लिया अपने पावर स्टोन फार्म से, तो रिपीटर बना लिए के रिपीटर का मांगे मुझे पता है आई थिंक सो और रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, बट मैंने फिलहाल के लिए दो ही बनाए। ये रहा मैंने छोटा सा फार्म बना दिया वीट ताकि इससे सीड मिल जाए। और यहाँ पे अपने काउसरशिप मेरा खाना भी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैंने खैर अच्छा हुआ मैंने बना दिया। खैर मेरे पास हेवेल पड़ी है फिलहाल के लिए, तो मैं हेवेल इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर तो भाई वीट की कमी नहीं होगी, मैं हेवेल बचाने का फ़ायदा भी नहीं करूँगा, मुझे कौन सी वीट की कमी है। तो चलते हैं जल्दी से लोकेशन डिसाइड करता हूँ, उसके लिए डर्ट भी बहुत सारा चाहिए, तो डर्ट भी मेरे पास है काफ़ी सारा, आई थिंक से ये कम पड़ेगा, कम भी नहीं बल्कि बहुत कम पड़ेगा, बहुत मुझे अंदाज़ा है कि ये कम पड़ेगा, बट मैं लेके चल रहा हूँ फिर भी। नो करो भाई, अबे भाई अमन जी करना चाह रहा था, चलो नीचे से दिखा देता हूँ मेरे पास कितना सारा स्टोन हो चुका है। ये अपना इतना सारा स्टोन मैंने यहाँ से चेस्टों में से निकाल लिया, यहाँ के चेस्टों में अलग भरा हुआ है, बोल तो मेरे पास है नहीं भाई, फ्यूल का भी जुगाड़ करना है। कैल फार्म बनाएंगे छोटा सा, कैल हाँ कैल फार्म उसमें डायरेक्ट कैल भी आ गया। हम लोकेशन डिसाइड करते हैं, समझ नहीं आ रही कोई लोकेशन, एक उस तरफ अगर मैं जाऊँगा तो आई थिंक सिर्फ वीट फार्म काम ही नहीं करेगा, इतना आगे अगर मैं चला तो एक काम करते बैक हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ अपने घर के बैक साइड पे बना दे, क्योंकि मुझे आई नो कि इस तरफ सारे फार्म्स बने हैं, बट ये फार्म मुझे लगता है काम नहीं करेगा अगर मैं घर के थोड़ा सा भी रेंज के दूर तो। दिस लोकेशन इज बेटर, या इस लोकेशन पे बना सकता हूँ इसको, बट कॉबलस्टोन ये आयरन फार्म काम करता है जब मैं घर पे होता हूँ तब, अब मुझे नहीं पता कॉबलस्टोन फार्म काम करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये उगता रहे, मतलब क्या नहीं। गाइस ये पिंक शिप यहाँ पे स्पॉन हुई थी, ये वाली पिंक शिप कब हुई थी आई थिंक सो पिछले से पिछली वीडियो में ये पिंक शिप आई थी, पता नहीं कैसे हो गई थी स्पॉन, मुझे तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि स्पॉन हुई थी भाई। घर के पास में मैं सोच रहा हूँ बनाने, रोसी लोकेशन बनाने तो वैसे भी ये अप की तरफ जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब लाइक स्टेयर्स, स्टेयर्स की तरह थोड़ा अप की तरफ जाएगा। एक सेकंड, मैं वैसे इस लोकेशन पर भी बना सकता हूँ देखा जाए तो, लेकिन ये लोकेशन प्रॉब ये है कि फ्लैट नहीं है, इस तरह बना लेते हैं, भले भाई घर पे रहो तो काम नहीं करें, बना रहे थे मैं बकेट्स भी लेके आ चुका हूँ 16 ताकि वाटर के लिए डिस्पेंसर में डालनी पड़ेगी, यहाँ से काम करते हैं जब ये काम नहीं कर रहा। सॉरी मैंने ये अब सही है, मैं खाना खाने जा रहा था,
से ये इस एरिया में बना देती थी। रात हो गई, मैं बैठ तो लेके मैं कहूँ, मुझे लगा ब्लू शिप है वो वाली शिप, ये वाली। मैं कहूँ ब्लू शिप कहाँ से आ गया, गौर से देखा तो पता चला भाई वो वाइट शिप ही है, नॉर्मल शिप। सो लेते हैं भाई, बेड नहीं तोड़ना, बेड इस पर पॉइंट सेट रखते हैं भाई। भाई मैं चेस्ट ही बना के नहीं लेके आया, वापसी चलते हैं भाई, चेस्ट बना के लेके आते हैं। ना चेस्ट बना के लेके आया हूँ मैं, ना होपर बना के लेके आया हूँ भाई, सब चीज कलेक्ट भी तो होनी है ना। चलते हैं घर वापसी, चेस्ट और हॉपर बना के लेके आते हैं। एक तो मुझे घर वापसी आना जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है घर जाओ वापसी आओ। खैर दूर भी तो बनाया ना मैंने ये फार्म, मैंने जाम शेयर बनाया कि आगे जाके बैठ घर के पास में ना नजर आया ना, अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं इस वर्ल्ड को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, बहुत बहुत प्यारा बनाना चाहता हूँ, और इस वर्ल्ड को इतना अपग्रेड करेंगे, डायमंड में कवर होंगे, आगे जाके नजर आए चैन में सब कर लेंगे। मैं क्या लेके आया था, चेस्ट, दो चेस्ट यहाँ पर पड़े हैं, ले लेते हैं इसको, आप रखते हैं इसे बना लेते हैं भाई। मुझे बहुत सारी चेस्ट चाहिए, मैंने घर के पास में नेदर पोर्टल बना के बहुत गलत किया। जब देखो अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है इस नेदर पोर्टल से, जब देखो भाई कितने चेस्ट चाहिए होंगे, जब 16x16 का एरिया है तो मुझे चाहिए होंगे चेस्ट, 16 चेस्ट चाहिए होंगे और 16 हॉपर्स सोलह चेस्ट और 16 होकर मेरे खास बैठी है, तो 17 चेस्ट हो गए, 16 होकर बनाना पड़ेगा। पेड़ तोड़ते हैं भाई, ऑटोमेटिक ट्री फार्म भी भाई मैंने बनाना है, जगह नहीं। I think so 30-40 करके चलते हैं, करते नहीं पढ़ लिया मैंने, चलो 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 भाई इसको अंदर डालो होता है भाई, ऐसे ही डिवाइड कर लेता हूँ सात, ये होगा 16 या बस इतने काफी, अब ऑफर्स बना लेते हैं तो फिर तो बचे 7 ऑफर्स, ये बने 16 ऑफर्स, इनफ आया थी उसको, इनफ। चलते हैं वापसी, मुझे नहीं लगता जब मैं आऊंगा घर पे ये फार्म काम करेगा, पर जब मैं जब वहां पे बिल्ड्स बना रहा हूँ ना कोई फार्म कुछ भी, तब तो ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। बस ये प्रॉब्लम होता है कि ऊपर खाबड़ रास्ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बस मैंने कहा लोकेशन रिसर्च करता हूँ वहाँ पे, काम करते हैं
दो ब्लॉक छोड़ते हैं उसके, एक दो यहाँ पे तो है हटना और खराब है चल हट आने ये हो जाएगा एक सेकंड या एक और फोन देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अरे भाई गिनती कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह, एक सेकंड थोड़ा सा आगे कर लिया ताकि पहाड़ बिछाना है से निकाल देते हो ऊपर तो गाइस अभी फिलहाल मैंने ये फार्म कंप्लीट कर लिया है और ये मैंने ग्लास भी लगा दिया ताकि वो ना हो सके, ये जब वीट आएगा ना पानी के जरिए तो फ्लो होके ना कहीं बाहर ना चले जाए, सारा ऊपर में जाए, तो मैंने ग्लास भी लगा दिया और ये चेस्ट तो लगी हुई थी, मैंने थोड़ा नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बना दी और अब हमारा फार्म का स्टेप शुरू होगा। बट उससे पहले एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, नहीं पता मुझे कैसे हुई है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आया तो देखा हो गई थी, मैंने कहा कि चलो भाई कोबलस्टोन फार्म में यहाँ पे फीड फार्म बनाता रहूँगा तब तक कोबलस्टोन फार्म वर्क करता रहेगा, मैंने कहा चलो, मैंने कोबलस्टोन फार्म चलाया, मैंने कहा चलो मैं ग्लासेस लेके आता हूँ, सैंड माइन करके ग्लासेस लेके आता हूँ, मैं थोड़ी देर घर पर स्मेल्ट होने के लिए खड़ा रहा, वापसी आया तो ये देखो ये देखा, ये चीज़ मैंने देखी है, ऐसे कभी देखा होगा किसी ने, आया टूडियो खाली मुझे इसमें से क्या मिले, ये छह ऑब्जर्वर बस, पूरे पूरे ऑब्जर्वर हैं, तीन पिस्टन चाहिए थे खाली दो पिस्टन है, दो वो चाहिए थे, चार वो ये चाहिए थे रिपीटर, खाली तीन रिपीटर हैं, दो रिपीटर ले गए और तीन ये नोटबुक चाहिए थे, यहाँ पे खाली दो लगे हुए, ट्रैपडोर यहाँ पे एक लगा हुआ है, पता नहीं कैसे टूट गया भाई, बाद में उसको फिक्स करेंगे, मैं किसी दिन ऑफलाइन जाके उसको फिक्स करूँगा, लेकिन कोबलस्टोन तो फिलहाल तो बस बहुत सारा है, नो प्रॉब्लम भाई, कोबलस्टोन तो फिलहाल को बहुत सारा है इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, और ये आयरन फार्म तो भाई काम पे ही काम पड़ता रहता है, इतना आयरन हो चुका है, चलो काम पे लगते हैं हम आपसे ये फार्म बनाने के। अब देखो हमें करना ये है कि यहाँ से एक ब्लॉक माइन करना है, एक दो तीन चार, अब गाइस मुझे मतलब एक चीज चेक करनी है कि क्या ये फार्म का इस तरह का है, देखो मैं अगर समझो मैं अगर ऐसे करूँ यहाँ से अगर मैं फ्लो दूँ मीन्स के ये लाइक एक यहाँ से चलो यहाँ से अगर मैं फ्लो दूँ पानी को सही है राइट ऑल राइट
ये कहाँ तक जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट 8 चला गया। अगर मैं इसको यहाँ से खोदूँ तो नीचे नहीं जाएगा, यानी मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मुझे 7 ब्लॉक का यूँ करना है, हर हर वो 7 ब्लॉक का होगा और फिर नीचे एक चला जाएगा, राइट? या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा हर उसमें 8 लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा ऐसे तो नीचे फ्लो होते जाना है, यहाँ से अगर मैं नीचे करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मीन्स के हर उसमें 7, 7, 7 जाएगा, राइट? अब आप लोग बोल लोगे ये तो ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर रहा है, बताता हूँ मैं ऐसे कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये वीट फार्म बनेगा ना, ऊपर से डिस्पेंसर पानी छोड़ेंगे तब वीट हार्वेस्ट होगा, मैंने तभी तो कहा था इसकी हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक, तो इसलिए मैं ये मेजरमेंट कर रहा था। तो मीन्स के ये और मुझे हर जगह से फ्लो चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं आखिरी वाले को 8 बना सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आखिरी वाले को आई थिंक से मैं 8 बना सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से फ्लो दूंगा, F अगर मैं ऐसे फ्लो देता हूँ तो ये नीचे तो नहीं गया, एक और ब्लॉक आ गया, मैंने कहा ना 7 का ब्लॉक, ऑलराइट ये काम सही कर रहा, सही है, मतलब कैलकुलेशन मेरी सही है। चलो भैया माइंड करते हैं और बनाते हैं। दरअसल यहाँ से पानी का भी तो फ्लो जाएगा ना, क्योंकि ताकि वो भी तो वो हार्वेस्ट क्या होते वीट भी तो हो गए, मैं वो वाला नहीं बना रहा कि खाली मतलब वीट उगेंगे अब वो हो या फिर ना हो, क्या अपना वो फार्म लैंड गीला हो कि नहीं, तो मैं वो वाला नहीं बना, मैं ढंग से बना रहा हूँ। अब देखो मैंने 8 इसलिए मेजरमेंट रखी, 4 यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ से, कितना वाइड बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही है। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ से ये सब रिमूव करना पड़ेगा ना, यहाँ से मुझे ये सब रिमूव करना पड़ेगा ताकि डर्ट लगानी पड़ेगी ना, डर्ट पे तो होगा ओवर स्टोन पे कौन सा पीट होगेगा, कुछ किया भाई अभी मर जाता, कोबल स्टोन पे भाई कौन सा वीट उगता है, वीट का कोई भी क्रॉप नहीं उगती भाई कोबल स्टोन पे, ये हो गया। अब यहाँ पे लगा दिया, इस फार्म में ना डर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि मेरे पास कम है, आई थिंक सो मुझे लेने जानी भी पड़ेगी, बस इतना वाटर तो सही है, यहाँ पे कोबल स्टोन ही लगा, क्या या ये सही है। अब क्या करना है, हाँ अब ये ऊपर ऊपर चलते हैं, बट यहाँ पे मैंने डाला नहीं, गिलास की तरह से काम है, बस यहीं से
बस सही हो गया। इस ऑब्सीडन को भाई मैंने ऑब्सीडन क्यों ना डाला भाई, इस ऑब्सीडन को रिमूव थोड़ा ही कर सकता हूँ भाई मैं, मेरे पास डायमंड पिकैक्स नहीं है थी, अब है नहीं भाई, जैसा लगता हो लगने तो भाई। यार यहाँ पे वैसे भी ऊपर रेनबो आ जाएगा स्टोन ब्रेक तो, एक सेकंड अब सही है। अब हमें जाना है एक ब्लॉक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ एक ब्लॉक ऊपर जाना है स्टोन ब्रेक, स्टोन ब्रेक ऐसे ऐसे या इस एक दो तीन चार पाँच छ अब ये सात ये नीचे जाना चाहिए ऐसा, अगर मैं एक ब्लॉक लगा देता नहीं जाना चाहिए गैस। ओके ऑल राइट ये सही है, अब है ना क्या क्या मैं सही हूँ मैं कुछ प्रॉब तो नहीं कर रहा यहाँ पे फार्मलैंड। अच्छा यहाँ पे लगाने की ये वाली जरूरत है, एक साइड पे लगेगी, यहाँ पे तो भाई साहब डर्ट लगेगी, डर्ट लगा देते हैं। तो 3 4 5 6 7 इस पूरे एरिया में डर्ट लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। ये गाइस 100% डर्ट कम पड़ेगी, मैं लेके आनी पड़ेगी भाई मुझे, ये वाला तो ब्लॉक छोड़ देना भाई। वे भाई पहले ये क्लीन कर लो, ये काम ही नहीं करने देंगे वरना फ्लावर। बस अब सही है, और ये भाई रात को सो सो जाता हूँ, रात हो गई माउस भाई काम ही नहीं करने देंगे मुझे, सच मैं सो जाऊँ बस दो मिनट लगती है भाई सोने में माइनक्राफ्ट में तो, और कहाँ रियल लाइफ भाई घंटे लग जाते हैं सोने में खाली। मतलब भाई ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है, अच्छा है भाई बट रियल लाइफ। खैर अगर माइनक्राफ्ट का ऐसा बनाते हैं तो भाई कौन खेलता भाई, कौन बोलता कि भाई मैं इतने घंटे सोऊं तो भाई फायदा क्या भाई, जब माइनक्राफ्ट में इतने घंटे सोना ही तो गेम कब खेलूंगा भाई, ये होता। इसलिए भाई सही जैसा है अब तो ये सारे तो बराबर है, अब हमें एक और ब्लॉक पर जाना है या चलो भाई ये लगे रहने दो। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 अब यहाँ पे लगेंगे ब्लॉक्स भी, उसकी इस साइड का तो डर्ट आ गया। एक सेकंड एक ब्लॉक ऊपर आएगी भाई, डर्ट को मैं बिल्कुल पेस्ट शॉल बना के ले गया थे भाई, बहुत काम आ गया एक शॉल बना ली मैंने। चलो चलो भाई बस इस्लावा से बच के रहना है मैंने, अब अगर मैं एक सेकेंड कैलकुलेशन करूँ
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ क्या जाना चाहिए पूरा फिर सॉरी आठ से नहीं डालना हमने मैंने डालना ही आगे से या गाइस इट्स वर्थ इट लो तो भाई साहब जी जा रहे हैं इसको तो इसको तो इसको तो एक सेकंड ये हम यहाँ तक सारे उसको वाइट करना है ये ऐसे मैं कितने लेयर बनाऊं एक दो आई थिंक सो एक दो तीन चार पांच लेयर बना देते हैं तो मैंने ये देखना है कि रेंडर में कितना आता है कितने लेयर बनाऊंगा छः सात लेयर बना देते हैं काम करते हैं छः सात लेयर आई थिंक सो इनफ रहेंगे भाई यहाँ पे ये डॉट किससे लगाया भाई यहाँ पर भाई स्टोन पे इस्तेमाल करते हुए किसको नजर आने में भाई मुझे डेट की जरूरत है डेट की बहुत कमी है डेट तो मैं लेके भी आ सकता हूँ एक सेकंड मैं यहाँ पे नहीं देख रहा मैं खाली वहीं पे देख रहा हूँ कि वहीं से कर रहा हूँ यहाँ से भी करना है या तो गाइस बस मैं आपको ये पूरा ऐसे ही कंप्लीट करके छः सात लेयर ऐसे ही बना के आप लोग कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा ना कि क्या है इसका कंसेप्ट तो मैं बस आप लोग को इसके कितनी लेयर बन गई एक दो तीन तीन चार लेयर और बना के मिलता हूँ बस थोड़ी देर में तो गाइस मैंने फार्म कंप्लीट कर लिया है सीड्स वीड्स नहीं लगाए हैं बाकी सब कुछ कर लिया डिस्पेंसर विस्पेंसर लगा दिया और अपने वर्ल्ड में अभी आ चुका है थंडर स्ट्रॉन्ग अगर आप लोग को लग रहा है बारिश अभी मेरे सामने बिजली कड़ गई थी थंडर स्ट्रॉन्ग हुई थी अगर आप लोग को यकीन नहीं आया तो मैं आपको एक दस होकर दिखा अभी फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि रात हो रही है फिलहाल थंडर स्ट्रॉन्ग आ चुका है फिलहाल तो रेन हो रही है बिजली आप लोग को तो पता ही हर दवा नहीं कड़कती देखो सुबह हो रही थी रात होने वाली थी आज सो थंडर स्ट्रॉन्ग अभी आया था मैंने खुद ने सुनी है थंडर स्ट्रॉन्ग की आवाज भाई साहब पहली दफा आई थिंक आया इस वर्ल्ड में थंडर स्ट्रॉन्ग इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा भाई थंडर स्ट्रॉन्ग मतलब इस वर्ल्ड में नहीं देखा वैसे तो देखा है भाई गाइस मैंने वहां पे वो तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ये नहीं हो गए हैं अभी तक अब क्या कर सकता हूँ भाई मैं एक काम करता हूँ चेस्ट में देखता हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत बोन मिल हो बोन मिल बनाता हूँ और फिर इसको बोन मिल मार के उगा के और बनाते फार्म को मैंने चेक भी कर लिया फुल काम कर रहा है और मैंने क्या करना था बोन चाहिए थी बोन यहाँ पे तीन बोन यहाँ पे जीरो यहाँ पे सात बोन बस इतनी सी है भाई मैं कितने दिनों से इस वर्ल्ड में खेल रहा हूँ अभी तक इतनी सी बोन मेरे पास कलेक्ट हो गई स्केलेटन फार्म तो अभी बनाना ही पड़ेगा मतलब स्केलेटन स्पॉन के पास ही बनाएंगे भाई अलग से कोई स्केलेटन फार्म नहीं आता चलो लेफ्ट में यही बोन मिल पड़ते हैं और सब इसको सब सारी क्रॉप्स को बोन मिल पड़ते हैं इसको एक को ये इसको भी मार दिया इसको भी मारो इसको भी मारो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको
कौन मिल खत्म होने वाला है। अब बोन मिल एंड फिर सारी आते हैं क्रॉप्स निकाल लेते हैं। या भाई सारी ही क्रॉप्स निकाल लो, मुझे पहले से उगा के रखने चाहिए थे। जब ये बार मतलब जब मैंने वो पोटैटो उगाया था उसके साथ में ही मुझे उगा देने चाहिए थे भाई, मैंने उसको क्यों नहीं उगाई। अब भाई ये सीड्स इतनी सी, ये तो इतनी सी भाई सीड्स है, कुछ भी नहीं है भाई। ये है वैसे काफी सारी पर अपने फार्म के लिए भाई ये बहुत कम है। मैं जरा इन्वेंटरी खाली करके आ गई, इतना सारा डर्ट भी नहीं लगा और देखो तो अभी भी मेरे पास इतना सारा डर्ट बचा है। मैं बताता हूँ वो कैसे बचा है, वो भी मैं बताता हूँ। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, इस वेट को अंदर रख देते हैं। वेट का कोई काम नहीं है, स्ट्रिंग्स का कोई काम नहीं, स्लेब्स का नहीं है, इसके लिए स्टोन कटर का कोई काम नहीं है, इटो तो हुए का कोई काम नहीं है। कोल भी रख, कोल रख देते हैं चलो। और इतनी सारी डर्ट का भी काम नहीं है, एक स्टैक आते से इनफ रहेगा बस डर्ट का। बस ही चलते हैं वीट फार्म पे और फिर इसको क्रॉप करता हूँ मैं। नहीं ये कैसे बना भाई, जैसे बना भाई मुझे क्या करना है। कितने सारी सारी बस भाई इतनी सी हुई है भाई। अबे भाई भाई ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बहुत कम है, ये तो भाई साहब जी बहुत कम है। है ज़ॉम्बी के पास कैसे आ रही है भाई। अबे क्या अंदर से देखो इसको, देखो इसको, देखो यहाँ पर अंदर बैठे बैठे शोर मचा रहे, शोर मचा रहे, तो तमीज ही नहीं है, अजीब ही कोई अंदर बैठे बैठे शोर मचा रहे। बे तुम्हें सुकून नहीं है ना, तुम्हारा वो बॉस का है, उस बॉस को लेके आओ ना, उस बॉस को मैंने कैप्चर करना है। बॉस का है तुम्हारा भाई, क्या हो गया बॉस के, तुम्हारा बहुत गंदा है क्या भाई। इनका बॉस बहुत गंदा है, इनके बॉस ने बोला भाई मैं नहीं आ रहा, तुम लोग अकेले जाओ और देख के आओ, लड़ के आओ, अगर फाइट जीत गए तो फिर सही, अगर हार गए तो जीतना तो इनका नामुमकिन है, हारना ना तो है ही क्योंकि अगेंस्ट में है स्पोर्टेक्स, अगेंस्ट में भाई मैं हूँ, मैं डायमंड की स्वॉर्ड लेके ये सब मारूंगा ना भाई, बचने का तो इनका, जीतना तो नाम होंगे इनका, डिफीट ही होंगे हमेशा। अजी आ जाते हैं बस, खैर आते तो हमारे फायदा भी नहीं, फायदा तो नहीं कह सकते बट एक तरीके से करते हैं कि आते हैं तो वो होता है। टोटम मिलता है, मतलब ऐसे नहीं मिलता, रेड कराओ इनको मारो तो मिलते, वैसे एक तरीके से फायदा नहीं हुआ ये भाई, जो भी हो है, जो भी हो भाई है बड़े खराब भाई। अबे अबे भाई मैं हो घर पे छोड़ के आ गया हूँ। अबे भाई कोई कोई मसला और बनाने में कोई आने की कमी है, एक्स्ट्रा हो गया लावा फेंक देंगे भाई। ओए एक सेकंड, मैंने अभी एक चीज नोट करी, आई थिंक सो एक उस पर एक स्टैक जाता है यार, एक सेकंड, ये एक स्टैक मैंने पूरा हाथ में लिया, एक उसमें पूरा पूरा एक स्टैक जाता है, एक सेकंड चेक करते हैं एक दफा।
अगर ऐसी बात है तो भाई बहुत एफिशिएंट हुआ। नहीं, एक उसमें एक तो नहीं बट बहुत ज्यादा है। आई थिंक स्वाम्स। अबे भाई पानी क्यों डाल दिया मैंने? अबे भाई सब जगह पे पानी फैल गया। भाई मैं भी कहती हूँ हरकतें करता हूँ, पानी बहुत ज्यादा है। लगे सारे, ये तो मुर्गी। तुम यहाँ पे क्या कर रही है? चल निकल। किसी ने कुछ नहीं देखा भाई। मैंने मारा भाई, वो तंग करने आई थी भाई। अगर मैंने मारा भी, तंग करने आ रही थी अजीब, फिर जब मारती उछलती कूदती फिर खराब करती फार्म, तो इसलिए मारना तो भाई जरूरी था। सर कौन सा आसपास कोई था भाई? जो भी भाई ये सीट लगाते हैं, एक और लग गया इस फार्म से। आई थिंक सो मुझे एक दफा अगर मैं इसको हार्वेस्ट करूं तो आई थिंक सो मुझे इससे पांच छह स्टैक तो मिलेगा। ये वीट में भी 5-6 स्टैक से ज्यादा मिलेगा। अब मेरे ख्याल से 5-6 स्टैक से ज्यादा मिलने चाहिए। वो भाई उससे क्रॉस वो भी नहीं दीजिए, अच्छा है। लो भाई वो भी ले ले एडवांस। मैं अभी सोच रहा था आप लोग को हार्वेस्ट करके दिखा। एक काम करते, इस तरफ नहीं लगे ना, इस तरफ देखिए तो कि कैसे ये काम कर रहे हैं। ये तोड़ते हैं और बस यहाँ तक सही करते हैं। अच्छा क्यों देखा तो, क्योंकि वहां पे मैंने सीड प्लांट कर दी है, वो खराब हो जाएंगे। मैंने लगा दी यहाँ पे, लेवल आराम से आया भाई। मैं यहाँ से आऊंगा, ओए फामुकिया ऐसे बोलता हूँ, फामुकिया चलो इसका हार्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे आके मैंने लीवर फ्लिक किया, वहां से आएगा पानी। देखो आ गया, देखो वो रहा, वो आ रहा पानी। आया 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 यहाँ से सारा फार्म हार्वेस्ट करते 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 सीधा डाल के ऊपर में ला के दे देगा और सारी चीजें ऊपर में चली जाएंगी। एक रेड स्टोन आया हुआ और क्या आया हुआ चलो। ओ हार्वेस्ट हो गया, चलो सारा फार्म, चलो इसको बंद करते हैं। ऐसे दबा बंद नहीं होगा, वापसी फ्लिक करना होगा। अब देखो वहां सब बंद हो रहा है, सारा पानी हट रहा है। ये देखो सारा पानी हट गया। और गाइस एक और प्रॉब है, प्रॉब हो गई थी मुझसे ये जो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ऊपर से एक पानी वाटर का सिस्टम पूरे चलाया है, वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जब बंदा वाटर ये लगाते ना ब्लॉक तो ये हट जाता है, ये हट जाता है। तो इसलिए हर 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 ये जो नीचे जा रहे हैं ना जितने ये एक दो जैसे ये सीढ़ियों की तरह बनता है वहाँ पे मैं हर उस पर पानी डालना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे ब्लॉक लगाना ज़रूरी था वरना पानी का फ्लो खराब हो जाता है। ए भाई टिक नहीं देने भाई किसी कुछ भी, अबे भाई नहीं देने भाई टिक। यहाँ पे लगा देते हैं रिपीटर, चलते हैं चलते हैं। और मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने लोकेशन थोड़ी गलत डिसाइड की थी, मुझे अब पता चला। मैं इसको यू यू में बना सकते थे, तो अभी मैंने जैसे मैं देख रहा हूँ तो वर्टिकली है, मैं इसको यूं में इस तरह यूं में ही बना सकता था। मैंने इसको यूं में बना दिया, मुझे इसको यूं में बनाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पहली बार एरिया खाली है। अब मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ था, बहुत ऊंचा नहीं था, थोड़ा ऊंचा था ये जो जिसके ऊपर फार्म बना है। देखो स्टोन है, ये मुझे पहाड़ काटना पड़ा। देखो यहाँ से भी डर टिकली हुई है, ऐसा सीढ़ियाँ बनी हुई थी ना वैसे नहीं बनी हुई, मुझे पहाड़ को हल्का सा काटना पड़ा। बट जो भी हो फिर भी अच्छी लोकेशन है, ऐसी बात नहीं। जो भी हो भाई फार्म एफिशिएंट है, कुक भी किया भाई, कितना फास्ट काम कर रहा है। जो भी भाई ये फार्म एफिशिएंट भी है और अच्छा भी है। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वाला फार्म और ये वाला गेम प्ले वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
गाइस प्लीज प्लीज इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबाना भाई। लाइक से भाई मुझे प्राउड मिलता है कि मैं भाई वीडियो बनाऊं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है और तो एडिटिंग में भी टाइम लगता है, एडिटिंग में भी 1 दिन लग जाता है। तो इसलिए गाइस मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 3 दिन में तो एक वीडियो डाल ही दूँ। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। शेयर फेसबुक पे भाई, जहाँ पे भी करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बस शेयर करना प्लीज़ गाइस प्लीज़। और मिलूँगा मैं आपको ऐसी ही अच्छी सी